गीता अ18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। एक जैसे हीरो और हीरोइन, ये अभिनेता और अभिनेत्री अपने पेट के लिए चटक मटक करते हैं, डांस डूंस करते हैं, अच्छा मेकअप मेकअप करके और फिल्म बनाते हैं। और ये भोले प्राणी युवा बच्चे उनको देख देख कर, क्योंकि वो मेरा फेवरेट हीरो है, वो मेरा फेवरेट हीरो है, टट्टू के फेवरेट है, बता वह नाचा कूदा अपने पेट के लिए, तुम उसको उसके ऊपर आसक्त हो रहे हो। अब उनमें से कोई भी हीरो या हीरोइन, अभिनेता या अभिनेत्री इसार में या बरवाला में आ जा, देख इन जवान बच्चों की वहां समूह कितना कट हो जा, कितने इकट्ठे हो जाएंगे, और न देखेंगे वो खड़ा इतनी 1 किलोमीटर दूर मंच पर, वो खड़ा वो खड़ी देख, और सारा दिन धक्के खा के वापस आ जा, बता के ले आए उसने देख के। तो उसके ऊपर बेमतलब हम आसक्त होने की बीमारी हमारा वहां लगी थी। यू काल तो खड़ा अपना कर्म फोड़ने के लिए, एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या कर रहा था, और हम इसको देख कर इस पर आसक्त हो गए, अंदर से इसको चाहने लग गए। जैसे ये बालक अनजान बच्चे इन चटक मटक करने वाले एक्टरों के ऊपर आसक्त हो जाते हैं, और सारा नकली काम। तो परमेश्वर ने आदेश दिया, आकाशवाणी की कि बच्चों तुम इसकी तरफ ना देखो, अपना सावधान रहो। लेकिन हम ऊपर से तो ऐसे सावधान हो गए, पर अंदर से चाहते रहे, वो तो अंतर्यामी है। जब इसने 70 युग तक तप किया, तब परमेश्वर कबीर जी ने पूछा कि बोल ज्योति निरंजन तू क्या चाहता है। इस काल ने कहा, ब्रह्म ने कहा, सर्वपुरुष ने कहा कि पिताजी ये स्थान मेरे लिए थोड़ा है, अलग से मुझे कुछ स्थान दे दो। तो परमेश्वर कबीर जी ने उसके 70 युग के बदले प्रतिफल में 21 ब्रह्मांड दे दिए। जैसे एक धनी पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट दे दे उसके हिस्से के अगले पकड़, अब जब उसने 21 प्लाट मिल गए, 21 ब्रह्मांड मिल गए, इनमें कभी उसमें जा रहा है, कभी उसमें सैर सपट्टे कर रहा है, फिर इसने सोची इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन हो, कुछ रचना हो इसमें, इसने फिर तप प्रारंभ किया, 70 युग तप फिर किया। तो प्रभु ने पूछा तू क्या मांगता है भाई, प्लाट मांगे था प्लाट दे दिए, ब्रह्मांड दे दिए तेरे को। ये कहता पिताजी मुझे कुछ सामग्री दे दो, मटेरियल दे दो, मैं कुछ उसमें कंस्ट्रक्शन करूं, रचना रचूं। परमेश्वर ने कबीर जी ने इनको इस काल को 5 तत्व और 3 गुण दे दिए। अगले बेटा खेल खिलौने थे। अब इसने फिर सोचा भी मान ले इसमें मैं रचना भी कर लूंगा, मैं मकान भी बना लिया है, और उसमें बच्चे हैं नहीं तो इकला मकान में करूंगा क्या। तो इसने सोचा इसमें मेरे पास जीव आत्मा भी होनी चाहिए। फिर तप प्रारंभ किया, 64 युग जब जिसने तीसरी बार तप किया, तो परमात्मा ने पूछा वो भाई क्या चाहता है तेरे को, जो मांगा था मैंने दे दिया, अब क्या चाहता है तू ज्योति निरंजन। इसने क्योंकि हम परमात्मा के सामने सभी भिखारी हैं, आपने गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 और 16-17 में देखा, ऊपर को जड़ वाला पूर्ण परमात्मा है संसार रूपी वृक्ष का, ऊपर को जड़ तो समझ लो पूर्ण परमात्मा है, और ये तीनों देवा शाखा हैं, और डार ये ज्योति निरंजन है। जड़ से खुराक चलती है, आहार चलता है, तना में आता है, तना से डार में, डार से शाखाओं में आता है, फिर पत्तों तक पहुंचता है, यानी सब का पालन करता, पूरे पेड़ का पालन करता जड़ होती है। तो हम सभी यहाँ के भगवान भी
और ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी और ये ज्योति निरंजन ब्रह्म भी परब्रह्म भी सभी उस परमात्मा के आगे भिखारी हैं। तो इसने कहा, पिताजी मुझे कुछ आत्मा दे दो, मेरा एक लेगा दिल ना लगता। परमेश्वर बोले, नहीं भाई, नहीं नहीं, ये आत्मा मेरे शरीर से निकली है, मेरे बच्चे हैं, ये ना दूं तेरे को किसी कीमत भी। हाँ, तने और प्लाट चाहते हैं और ले ले, और दे दूंगा ब्रह्मांड 10-20 तो ना चाहते हो। वो कहने गया, नहीं जी मुझे तो आत्मा चाहिए गुरुदेव परमेश्वर पिताजी। परमात्मा बोले, भाई एक बात है, क्योंकि परमेश्वर अंतर्यामी थे, जान चुके थे कि ये आत्मा जो इस पर आसक्त होगी है, ये पतिव्रता पद से गिर गई है, अब ये यहां रहने के योग्य नहीं रही और यहां से ये जाना ही उचित है इनका, ना औरा ने भी खराब करेंगे। जैसे सेब खराब हो जाता है ना, एक सेब भरे टोकरे में, तो समझदार व्यक्ति फल विक्रेता उस खराब सेब को रखे नहीं, बाहर फेंक देगा, दूर कर दे, दूसरी आने भी खराब ना कर दे। तो ये काल भी खराब हो लिया था, राम इसका साथ खराब हो गए। तब परमेश्वर ने कहा, भी एक बात है ज्योति निरंजन, यदि कोई आत्मा सब इच्छा से तेरे साथ जाना चाहती है तो मैं उसको भेज सकता हूं, पूछ पता कर ले। अब ज्योति निरंजन ये ब्रह्म आ गया अपने पास, जो आज हम इस काल के जाल में फंसे पड़े हैं। इसने आकर कहा कि भी मैंने पिताजी से ना, क्योंकि हम उसी परमात्मा से हमारी उत्पत्ति, उसी से ज्योति निरंजन ब्रह्म की, तो इसने कहा मैंने पिताजी से 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं तब करके, और वहाँ ऐसे बनाऊंगा, वहाँ महास्वर्ग बनाऊंगा, ब्रह्म लोक बनाऊंगा, ऐसे ऐसे सुंदर वृक्ष बाग लगाऊंगा, मेरे साथ चलोगे? तो हम तो पहले ही उसके ऊपर आसक्त हो रहे थे, हमने कहा सभी ने कि यदि पिताजी आज्ञा दे देंगे तो हम चल पड़ेंगे। तो ज्योति निरंजन ने कबीर परमेश्वर जी से कहा, पिताजी कुछ आत्मा मेरे साथ चलने को तैयार है, आपकी आज्ञा चाहते हैं। परमात्मा बोले, वह मेरे सामने आ भरवा दे, जो जाना चाहते हो फिर मैं भेज दूंगा। परमेश्वर कबीर जी और ये या पूर्ण ब्रह्म और ये ब्रह्म दोनों आ गया आपके पास। आपसे पूछा कबीर जी ने, परमेश्वर जी ने, कि भाई कौन आत्मा इसके साथ जाना चाहता है, खड़े हाथ खड़ा करके स्वीकृति दे। अब उस समय तो हम सारे घबरा गए और चिंतित हो गए कि भाई अपने पिता के सामने कैसे कहूं हम इसके साथ जाना चाहते हैं। चुप सन्नाटा छा गया। परमेश्वर ने कहा, रे ज्योति निरंजन, तू तो कह रहा था ये सभी चाहती हैं तेरे साथ जाना, कोई भी ना बोलता। तब एक आत्मा सबसे पहले खड़ा हुआ, सबसे पहले उसने डेर किया, हिम्मत किया और कहा, पिताजी मैं इसके साथ जाना चाहता हूं। फिर तो देखा देखी हम भी खड़े हो गए, कदे एक लाए लूट लूट जा उड़े समा पर। तो सभी जितने भी आज यहां असंख्य प्राणी फंसे पड़े हैं, ये सभी के सभी खड़े होकर दोनों हाथ खड़े कर, मैं भी जाऊंगा। परमात्मा बोला, भाई ठीक है ज्योति निरंजन, तू जा अपने ब्रह्मांडों में। ये पहले सतलोक में ही थे सारे ब्रह्मांड 21 के 21, और मैं इन सभी को अपने हिसाब से भेजूंगा तेरे पास, चल। और ज्योति निरंजन चला गया। परमात्मा ने, परमेश्वर कबीर जी ने, सतपुरुष ने सबसे पहले जिस आत्मा ने स्वीकृति दी थी उसको एक लड़की का रूप बना दिया, युवा लड़की, युवती। और हम सभी को बीज रूप में, आत्मा रूप में सकती सूक्ष्म बना के और अपने वचन से उस लड़की के शरीर में प्रवेश कर दिया। उसका नाम धरा आदि माया, अष्टंगी, आगे चल के वो दुर्गा कहलाई, प्रकृति देवी भी उसी को कहते। अपने पुत्र सहजदास से, उन 16 में से जो मुखिया थे, एक से कहा कि जा बेटा तू अपनी बहन को ज्योति निरंजन के पास छोड़िया, उसको बता देना कि मैं, परमेश्वर ने कहा कि जा बेटी अब तेरे को मैंने शब्द शक्ति दे दी है, वचन शक्ति, जितने जीव ज्योति निरंजन कहे तू वचन से बोल देना, उतने ही युवा बालक जैसे भी तू धारणा करेगी वैसे ही बच्चे वहां उत्पन्न हो जाएंगे।
अब परमेश्वर ने अपने पुत्र सहज दास से कहा कि भाई तू जा और उसको बता देना ज्योति निरंजन को कि इस बहन के शरीर में, बेटी के शरीर में सभी जीवात्मा प्रवेश करती हैं जो तेरे साथ आना चाहती थी, और ये अपने वचन जितना तू कहेगा उतने जीव ये उत्पन्न कर देगी, एक बार वचन बोलेगी उतने ही सामने प्रकट हो जाएंगे। सहज दास ने जाके ज्योति निरंजन को बता दिया कि ये लड़की, ये प्रकृति देवी है, परमात्मा कबीर जी ने निर्मित की है, उस आत्मा की जो सबसे पहले तेरे साथ आना चाहता था, और इसके शरीर में सभी आत्माएं हैं, ये अपने वचन से तेरे सब जो है ना उत्पत्ति कर देगी मानव जितने तू प्राणी चाहोगा। यूं कह के वो तो आ गया, कौन? जोग जी को, सहज दास। अब युवा होने के कारण लड़की का रंग रूप निखरा हुआ था। अब ज्योति निरंजन के मन में दोष आ गया और उसने उस लड़की के साथ बलात्कार करना चाहा। अपुनात्मा या बीमारी भी प्रत्येक प्राणी का है यहां जो वहां से लगी थी, इस काल के लगी थी, और काल से ही आगे हम उत्पन्न हुए सारे, फिर दोबारा हमारी री जो है ना बोर्न हुए हम। तो लड़की ने देख लिया कि इसके मन में दोष आ गया, हाव भाव देखे उसके बकवादों के, तो प्रकृति देवी ने कहा कि ज्योति निरंजन तू बात सुन, तू मेरा बड़ा भाई, हमसे पहले तू अंडे में परमेश्वर कबीर जी के वचन से उत्पन्न हुआ है, और मैं तेरी छोटी बहन है, और बहन भाई का ये जुल्म महापाप है, तो ये दुष्कर्म ना करना, करे मेरे साथ, मैं वचन से तेरे जीव उत्पन्न कर दूंगी जितने तू कहेगा। लेकिन उसने एक नहीं सुनी और हद से ज्यादा बढ़ गया, यानी लड़की को पकड़ना चाहा, आलिंगन बद्ध करना चाहा, बकवादों से मुंह खोल लिया। तो लड़की ने सुख और कोई तरीका ना देखा अपनी इज्जत बचाने का, सूक्ष्म रूप धारण किया, इसके मुख के माध्यम से पेट में पहुंच गई, और वहां से पुकार की, हे परम पिता, हे परमेश्वर, हे गुरु पिताजी, मेरी रक्षा करो, मेरे साथ ऐसे ऐसे जो इसने करना चाहा, मैंने इसके पेट में शरण दे रखी है, मेरी रक्षा करो। अब परमात्मा कहते थारी होगी रक्षा, देखते जाओ कि एक रहेगा तुम्हारे साथ ही भी। अब परमेश्वर कबीर जी अपने पुत्र सहज दास का रूप बनाकर आए और कहा सुन ले ज्योति निरंजन, तने जुल्म कर दिया इस सच्चे लोक में, ऐसा पाप ऐसा अपराध, वो लड़की को उसका पेट चीर के लड़की बाहर निकाल दी और पेट फिर ऐसा कैसा कर दिया। वचन में बहुत बड़ी शक्ति होती है, ये आध्यात्मिक साइंस सुप्रीम है, सबसे सर्वप्रिय होती है। तो लड़की को बाहर निकाल दिया, वो एज इट इज युवा होगी, निरंजन से कहा कि सुन ले आदेश परम पिता का, आज के बाद तेरा नाम काल होगा, 1,00,000 मानव श्री धारी प्राणी तू नित खाया करेगा, 1,25,000,000 की उत्पत्ति करेगा, और निकल जाए यहां से लेकर तेरे 21 ब्रह्मांड को, आज से तुझे यहां से निष्कासित किया जाता है। अब वहां 21 ब्रह्मांड इतना कहते ही विमान की तरह चल पड़े, दुर्गा और काल दोनों इसके अंदर विराजमान थे। ये 16 शंख कोस की दूरी पर आकर ठहर गए, रुक गए, यानी यहां स्थिर हो गए, यहां फिर घूमना शुरू कर दिया उसी रेंज में। अब काल ने सोचा कि इसने जो करना था, मुझे जो दंड मिलना था वो मिल लिया, अब मैं मनमानी करूंगा। दुर्गा के साथ फिर उसने वही व्यवहार करना चाहा। दुर्गा ने फिर विनय किया कि मान जा मेरी बात, तू जुल्म ना करे। उसने हर तरीके से समझाना चाहा उस नालायक को कि पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, अब मैं तेरे पेट से बाहर आई हूं, तेरी बेटी होगी, तो बेटी और बाप का ये जुल्म अच्छा नहीं, मेरे पास सबद शक्ति है, मैं तेरे जितने जीव तू कहेगा मैं बना दूंगी, उत्पन्न कर दूंगी। लेकिन इस काल ने कुछ नहीं देखा आगा पीछा। अब परमेश्वर कबीर जी ने एक और था किया था कि इस लड़की को प्रजनन इंद्री नहीं लगाई थी, परमात्मा ये देखना चाहता था ये कहां तक गिर सकता है ज्योति निरंजन। तो इस काल ने अपने ही वचन शक्ति से, नख रेखा से, नाखनों से
ये प्रजनन इंद्री लगाई और फिर जबरदस्ती उससे शादी की, तीन पुत्र उत्पन्न किए। बड़े का नाम ब्रह्मा, छोटे बड़ा रजगुण ब्रह्मा, बीच वाला सतगुण विष्णु और तम तीसरा तमगुण शिव। अब पुण्यात्माओं, ये तो दास ने सुना दी मौखिक वर्बली कथा आपको, और इस कथा को सुनकर जो पहली बार सुन रहा होगा वो मन मन में पता नहीं कितने खरपतवार उसके पैदा होंगे, कितनी शंकाएं उत्पन्न होगी होंगी, क्या ची गपोड़ पेल दिया, घर की कथा गढ़ दी, ये हमने कदे सुना नहीं, कहीं पढ़ा नहीं। अब आपको सुना दिया, अरे पढ़ कहीं दिखा दूंगा। और परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था धर्मदास ये जग बोराना और कोई न जाने पद निर्वाण, यही कारण मैं कथा पसारा जग से कहिए वो राम नियारा, यही ज्ञान जग जीव सुनावो सब जीवों का भर्म नसावो, अब मैं तुमसे कहूं चिताई ही त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। इन तीनों भगवानों का जन्म कैसे हुआ ये बताता हूं। कबीर जी कह रहे कुछ संक्षेप कहूं गहुराई सब संशय तुम रे मिट जाई, संक्षिप्त में बता दूंगा तेरे सारे संशयों का नाश कर दूंगा। भरम गए जग वेद पुराना आदि राम का भेद न जान्या, आदि राम का सबसे पहले वाले प्रभु का किसी ने पता नहीं। राम राम सब जगत बखाने आदि राम कोई बिरला जाने, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई ही मूर्ख सुने तो गम ना पाई। समझदार व्यक्ति सुनेंगे इस कथा को तो समझ जाएंगे भाई बात तो सच्ची है क्योंकि प्रमाण दिखाए जाएंगे आपको, और मूर्ख सुने तो वो नहीं समझेंगे झूठ बोला झूठ बोला। किसके विषय में कहेंगे परमात्मा क्या बता रहे हैं परमेश्वर कबीर जी। माँ अष्टंगी पिता निरंजन ये जम दारुण वंशन, अंजन पहले कीन निरंजन राई ही पीछे से माया उपजाई। किन के माता पिता, माता अष्टंगी दुर्गा है त्रिब्रह्मा विष्णु महेश की और पिता ज्योत निरंजन है, और पहले कीन निरंजन राई पहले अंडे से निरंजन को उत्पन्न किया और पीछे से या दुर्गा बनाई माया उपजाई। पहले कीन निरंजन राई पीछे से माया उपजाई, माया रूप देख अति शोभा देव निरंजन तन मन लोभ्या। सुंदर लड़की देख के इस भगवान काल निरंजन का मन में दोष उत्पन्न हो गया, इस पर आसक्त हो गया। काम देव धर्म राय सताए है देवी को तुरंत धर खाए, सेक्स वश होकर काल ने ये जुल्म किया। पेट से देवी करी पुकारा साहब मेरा करो उभारा, काल के पेट में तो दुर्गा ने पुकार की है परमात्मा मुझे बचाओ। टेर सुनी तब हम ता आए अष्टंगी को बंद छुड़वाए, सतलोक में की ना दुराचारी ही काल निरंजन दीन निकारी, इसलिए इसको वहां से निकाला कि इसने ऐसा दुराचार किया था वहां पर। माया समेत दिया भगाई 16 संख कोस दूरी पर आई, अष्टंगी और काल अब दोई ये मंद कर्म से गए बिगोई। अपने मंदे कर्म थे गंदे कर्मों के कारण ये दोनों डूब गए। दुर्गा क्यों डूबी गई, सबसे पहले परमात्मा की विमुख हुई और काल पर आसक्त हुई, सबसे पहले स्वीकृति दी और काल ने वहां ऐसा जुल्म किया, ये दोनों मंद कर्म से गए बिगोई। धर्मराय को हिकमत की ना नखरेखा से भग कर लीना, काल ने अपने नाखूनों से स्त्री प्रजनन इंद्री लगाई दुर्गा के। धर्मराय की ने भोग विलासा दुर्गा को रही तब आशा, गर्भवती हुई ये अष्टंगी। तीन पुत्र अष्टंगी जाए ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ओह ये दुर्गा ने तीन पुत्र उत्पन्न किए, ब्रह्मा विष्णु महेश इनके नाम रखे गए। 600 साल पहले परमेश्वर कबीर जी ने ये अमृत ज्ञान दिया था जो सद ग्रंथों में आपके रूबरू किया जाएगा।
और पुण्यात्माओं, ये अनाड़ी ऋषि, मैं ऋषि व नकली ब्राह्मण जो क्या करते हो, तो जुला अशिक्षित दानक है, वो क्या जाने भगवान के बारे में, वो संस्कृत नहीं जानता। अरे संस्कृत जानिया काट रखी टाट, ना गीता का बेरा, ना वेदों का ज्ञान, ना पुराणों के बारे में जानकारी आज तक हमें नहीं दी गई। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए, तीन देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। ये काल के तीन पुत्र, ये देवता सतिथि उत्पत्ति सतिथि और संहार करके कहते ये यहाँ का सारा डमडमा ये चला रहे हैं, और इन्हीं को भगवान मान के ये सारा जग इन्हीं में धोखा खा रहा है। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। परमात्मा के बारे में कैसे जान सकते हैं, यु काल झूठे ज्ञान से इनको परिपूर्ण कर देता है अपने दूत भेज भेज के। तीन लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन वासा क्लीन्या, अलख निरंजन सुन ठेकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। अब ये क्या करता है कि जब ये पुत्र उत्पन्न होते हैं, दुर्गा से जन्म लेते हैं, इनको कोमा में भेज देता है, यानी इनको अचेत कर देता है। और ऐसे ही जब ये युवा होते हैं, तब तक इनको अचेत रखकर ही इनकी परवरिश करता रहता है, युवा होते ही इनको सचेत कर देता है। इनको खुद नहीं मालूम हम कितने उत्पन्न हो गए, कौन हमारा पिता है, कौन हमारी माँ है। तो वो ज्योत निरंजन कहते हैं, उसको भी ये नहीं समझ सके कहाँ है वो आज तक। और परमात्मा बताओगे वो आपको न्यारा न्यारा दाना दाना गिन के। तीन देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वह पार न पावे। आज तक ये ब्रह्म को खोज रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तपस्या करके, वो भी ना पाता इनको। आखिर में ये लिख दे, सब कह देते हैं वो तो निराकार है, क्योंकि उसने कसम खाई है, उसने प्रतिज्ञा की है कि मैं कभी किसी के सामने प्रकट नहीं होऊंगा अपने वास्तविक रूप में, ऐसी कसम खाई है। आगे कहानी बताऊंगा। और ये प्रमाण गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में है कि काल कहता है ये मूर्ख मनुष्य समुदाय मेरे अटल अनुतम, वो घटिया नियम को नहीं जानते कि मैं किसी के सामने व्यक्त एज इट इज रूप में, व्यक्त रूप में नहीं आता, मैं आकार में कभी नहीं आता, मैं गुप्त रहता हूं, अपनी माया से छुपा रहता हूं। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोग जीव कीन आहारा, ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए, तिनके सुत हैं तीनू देवा, अंदर जीव करत हैं सेवा। इन तीनों के कहते हैं, जिन दोनों के तीन पुत्र हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश और ये बोली आत्मा ज्ञानहीन प्राणी, इन को भगवान मान के इनकी पूजा करे। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। गुण तीनों गुण का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूं पुकारा। अब ये ज्ञान परमात्मा 600 साल पहले बताया करते कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता की माता अष्टंगी दुर्गा है और काल इनका पिता है। तो सिर फोड़ न हो जाया करते वो नकली गुरुओं के बकाए हुए जनता के, झूठा है, कपटी है, जुलाह है, इसको मार दो, फूक दो, ये कर दो। और ब्रह्मा विष्णु महेश को ये नाशवान बताता है। और वो नकली गुरु ब्राह्मण हमारे हिंदू धर्म के गुरु बताते थे कि ब्रह्मा विष्णु के कोई माता पिता नहीं, ये सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय कालंजय आदतें ये ढिंढोरा पीट रहे हैं। वह देख लो किसी भी टीवी चैनल ने खोल के, अब इनका सबकी पोल खुलेगी, इनके पास जवाब नहीं रहेगा, ये छोड़ देंगे संताई कुछ दिनों के बाद और बड़ी आत्मा पहचानेगी प्रभु को। अब आपको दास दिखाता है प्रत्यक्ष प्रमाण कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है और कहाँ है वो प्रमाण, अपने ही पुराणों में। सबसे पहले आप जी को शिव पुराण दिखाते हैं, शिव महापुराण। ये देखिएगा शिव महापुराण, संक्षिप्त शिव पुराण। संक्षिप्त शिव पुराण
इसके संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार। ये कहाँ से छपा है? गीता प्रेस गोरखपुर से। पुणात्मा गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित जो पुस्तक है वो पवित्र हिंदू समाज को मान्य है, नो डाउट, कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है कि जो इसमें लिखा हो फाइनल है। प्रकाशक है और मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मनु कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके 98वें पृष्ठ से आपको दिखाना प्रारंभ करते हैं, देखिएगा। ये है रुद्र संहिता और संक्षिप्त शिवपुराण पृष्ठ 98। नीचे देखिए इसका रुद्र संहिता का 5वां अध्याय। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले, 5वां अध्याय समाप्त हुआ। ये 6ठा प्रारंभ हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से ये उत्तम, बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे न चंद्रमा, अन्य ग्रहों का व नक्षत्रों का भी पता नहीं था, न दिन होता था न रात, अग्नि पृथ्वी वायु और जल की सत्ता भी नहीं थी। उसमें तत् ब्रह्म इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। ये 99 पृष्ठ पे आपने पढ़ा। अब 100 पे देखना, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति यानी आकार की कल्पना की। इसने निराकार मानना ही ब्रह्म है, और आकार में क्यों कराया? वो जो मूर्ति रहित परब्रह्म है उसकी मूर्ति, भगवान सदा शिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उसमें एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से यानी शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। ये ज्ञान ब्रह्मा जी दे रहे हैं। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी तीनों देवताओं की माता नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं, ये दुर्गा है। और इसमें लिखा है कि सदाशिव ने अपने शरीर से अपने विग्रह से ही एक शक्ति यानी दुर्गा की उस स्त्री की उत्पत्ति की। अब का ब्रह्मा ने अविचार सुनिए, परमेश्वर कबीर जी आए थे सर्वप्रथम 21 ब्रह्मंडा में, तो सबसे पहले काल के साथ उनका कहा सुनी हुई, उसके बाद ब्रह्मा के लोक में आए। ब्रह्मा को मालिक ने इसे सृष्टि रचना सुनानी चाहिए। उसने कुछ तो परमात्मा से सुनी हुई वो कहानी लेकिन बाद में त्याग दिया। काल ने उसको इतना दबाव दे दिया कि ये झूठा है, इसकी बातों में मत आना, अंदर प्रेरणा करके। तो ब्रह्मा ने कुछ तो परमात्मा से सुनी हुई बात और कुछ अपने गपौड़ वह सारे मिला के अपने से पहले की जो कथा सुनाई है, यानी जब ये कमल के फूल पर बैठा था, उत्पन्न हुआ, उससे पहले की जो कहानी है ये कैसे बता रहा है? ये परमेश्वर कबीर जी से सुनी हुई कुछ अपनी मिला के, और उसके बाद फिर ये ठीक बोल रहा है। अब देखो, अपने विग्रह से सदाशिव यानी काल ने अपने शरीर से एक शक्ति की सृष्टि की, जो उनके श्रीअंग से कभी दूर होने वाली थी। उसी को पराशक्ति उसी पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्वों की जननी तथा विकार रहित बताया गया। वह शक्ति अंबिका कही गई है, और उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी
त्रिदेव जननी नित्य और मूल कारण भी कहते हैं, सदाशिव द्वारा प्रकट की गई काल के शरीर से निकली हुई उस शक्ति के आठ भुजा हैं, यह अष्टंगी है। आगे देखो, नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं, वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है कि वही। आगे देखो, एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है, जो वो सदाशिव है, वे जो सदाशिव है उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब देखो 101 पर, वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं, उन काल रूपी ब्रह्म ने, सदाशिव कहो चाहे काल रूपी ब्रह्म कहो, एक ही समय शक्ति के साथ, ये नाथ नहीं है, शक्ति यानी दुर्गा के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया, 21 में ये ब्रह्मांड के ऊपर ब्रह्मलोक में, उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं, वह परम निर्वाण का या मोक्ष का स्थान है, जो सबके ऊपर विराजमान है, वे प्रिया और प्रियतम शक्ति और शिव रूप, शिव यानी पति और पत्नी रूप में, शक्ति यानी दुर्गा और ये काल जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं, काशीपुरी परमानंद रूपणी है मुने शिव और शिवा ने, यानी काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी उस कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। आगे देखियो, देवर से एक समय उस आनंद मन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, दुर्गा और काल के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई बच्चा उत्पन्न कराए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरे और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित दुर्गा के साथ सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने यानी काल ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया, और फिर वो तो वहाँ से एक पुरुष प्रकट हुआ, एक बालक उत्पन्न हुआ, उसका नाम के रख्या। अब देखियो 102 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिवपुराण, तदंतर संक्षिप्त सुनाएंगे। अब उस काल ने कहा, शिव ने कहा, वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब ये छठा अध्याय समाप्त हो गया, अब रुद्र संहिता का और सातवां यहां प्रारंभ होता है 103 पे। अब यहां ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से, नारद को बता रहा है ब्रह्मा जी, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर साम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया, यानी उसी तरह जैसे दुर्गा और काल ने दोनों के संयोग से विष्णु उत्पन्न हुआ, उसी तरह मेरी भी उत्पत्ति हुई। अपने आत्मा वही सदग्रंथ है जो परमात्मा 600 वर्ष पहले बताया करते, और ये संस्कृत के जानने वाले विद्वान कहलाने वाले अज्ञानी वह कहते थे ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं है। अब यहां आपने देखा कि अनुवादकर्ता ने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी, इसने सोचा शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, कैसे अनुवाद कर दूं, लेकिन मूल संस्कृत में स्पष्ट है, फिर भी इसमें आपको दिखाते हैं 110 पृष्ठ पे कि ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग चौथा है वो काल, ये 9वां अध्याय रुद्र संहिता का शिव पुराण, ये 110 पृष्ठ संक्षिप्त शिव पुराण। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण है, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं वो चौथा, यानी इन तीनों से अलग है ये काल, ये सदा शिव, ये इसका पुत्र है शिव, अपने स्वरूप में इसने उत्पन्न किया है। अब ये और प्रमाण क्लियर आपको देंगे ये सिद्ध करने के लिए कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है और ये ब्रह्मा विष्णु महेश इसके बेटे हैं। अब देखना, यही शिव पुराण, ये विद्वेश्वर संहिता अध्याय नंबर 10, इसमें देखिएगा, एक बार ब्रह्मा और
विष्णु जी का झगड़ा हो गया किस बात पे। ब्रह्मा जी कहता है मैं तेरा बाप, विष्णु जी को विष्णु कहता मैं तेरा बाप, दोनों का झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया। तो इस कालनिन के बीच में एक तेजो में स्तंभ खड़ा कर दिया, बहुत लंबा चौड़ा। ये लड़ना तो भूल गए, फिर इसके ऊपर नीचे जाके इसका भेद जानना चाहा इन्होंने। अब ज्यादा ना कह के हम सिर्फ अपना प्रसंग जारी रखेंगे। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभो उस काल से, सृष्टि आदि पांच कर्तों के लक्षण क्या है ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, यू काल बोलिया, मेरे कर्तव्यों को जान समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा करके तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और ये अच्युत यानी ये विष्णु, सृष्टि पालन और संहार, त्रोभाव और अनुग्रह, ये मेरे पांच ही जगत संबंधी कार्य हैं और जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का जो समय है, आरंभ है, उसको सर्ग या सृष्टि कहते हैं। इब काल बता रहा है ब्रह्मा विष्णु को, पुत्रो ए बेटो, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक दो कर्त प्राप्त किए। सृष्टि ब्रह्मा को, सतीथि विष्णु को, और फिर के कहे ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं, और इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में, अब देखो दो तो ये ऊपर ब्रह्मा विष्णु हो गए और ये महेश्वर, रुद्र और महेश्वर ये न्यारे हो गए। मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में दो अन्य उत्तम कर्तव्य संहार और त्रोभाव मुझसे प्राप्त किए, परंतु अनुग्रह नामक कृत दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर ने अपने कर्तव्य को नहीं भूला, इसलिए मैंने इनके लिए अपना समानता प्रदान की। अब ये क्या कहता है कि वे रूप और वेश, कर्तव्य वहन, आसन और आयुध आदि में मेरे ही समान ही हैं। रुद्र और महेश्वर कहते, काल कहता मेरे समान है, मेरे जैसे ये वेशभूषा रखते हैं, लेकिन मैं इनसे न्यारा हूँ। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया था जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है, वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार प्रकट हुआ था, ओम नाम, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ, यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार निरंतर का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। सिद्ध हो गया कि ओम मंत्र इस काल का है। इन सभी अवयव से एकीभूत होकर पर्वण यानी ओम नामक एक अक्षर हो गया। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता काल श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है, ओम इति एक अक्षरम व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तदम देहम सयाति परमावतिम। इसे सिद्ध हो गया कि ये काल है, ब्रह्म है, और ब्रह्मा विष्णु इसके पुत्र है। पुण्यात्माओं, अब आगे आपको कहाँ दिखाएं, अब देवी दुर्गा पुराण में दिखाते हैं। इस देवी पुराण में अब ये क्या कारण है, ये क्या करता है, थोड़ा सा वर्बली मौखिक सुनाएंगे, फिर ये पवित्र पुराण आपके रूबरू करेंगे। ये क्या करता है काल, इसने अपने एक ब्रह्मांड के ऊपर कति सर्वोपरि स्थल पर एक ब्रह्मलोक बना रखे है, उसमें नकली अलखलोक, नकली सतलोक और अगामी लोक और अकै लोक, अनामी लोक की रचना कर रखी है कि कहीं कभी कोई आके और ऊपर के लोकों के बारे में बताएगा तो ये भोली आत्मा, मैं उनको यही सेट कर लूंगा, उनको बहका दूंगा, ये अलख लोक है, ये अगम लोक है, अनामी लोक है, ये सतलोक है। और उससे भी पार इसने वो जिसको काशी बताया है वो स्थान बना रखे। ये क्या करता है, इसने, आपको एक चित्र दिखाते हैं एक ब्रह्मांड का, उसके बाद ये आपके सारी कहानी समझ में आवेगी। एक ब्रह्मांड का लघु चित्र देखें, ये देखिएगा एक ब्रह्मांड का लघु चित्र।
ये एक ब्रह्मांड ब्रह्मांड का एक लघु चित्र, ये देखिएगा, ये एक अंडे की शेप में है पूरा ब्रह्मांड, ये देखिएगा, ये एक अंडे की यानी एलिप्टिकल शेप में है, इसलिए इसको अंड भी कहते हैं, इसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। पिंड शरीर को भी, शरीर भी इसी का रूप है। शरीर के अंदर ये सब रचनाएं आप टेलीविजन की तरह देख सकते हो अपने कमलों में, इसलिए पिंड ब्रह्मांड अंड इसी को कहते हैं अंड। अब यहाँ क्या है कि इसमें ये नीचे एक पाताल लोक है, ये सूतल रसातल तलातल ये अन्य लोक है, ये पृथ्वी लोक है, ये स्वर्ग लोक है और नरक साथ में है, ये धर्मराय का लोक है, ये यहाँ मानसरोवर इसने अपना बना रखा काल ने, और ये श्री शिव का लोक, काल के पुत्र का तमगुण शिव का, और ये ब्रह्मा जी का रजोगुण ब्रह्मा जी का लोक, ये विश्व सतोगुण विष्णु जी का लोक, ये इनकी राजधानियां हैं। यहाँ बैठ कर के ये तीनों भगवान इस पताल लोक, पृथ्वी लोक और इस पाताल लोक के जीवों को कंट्रोल करते हैं। इस काल ने ये एक अलग से ब्रह्मलोक बनाया है, ये अलग स्थान है ब्रह्मलोक। इसमें यहां इसने एक महास्वर्ग बनाया है अलग से, ये इसमें इस महास्वर्ग का राजा महेंद्र, महेंद्र का द्वीप महाइंद्र, ये फिर नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक, नकली अनामी लोक यहां बना रखे हैं। इसके बाद इसने ये सब यहां एक और बंद बना दिया, और इसके बाद ये यहां रहता है जहां ये दुर्गा को, इसने यहां तीन स्थान बना रखे हैं, एक तो रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र और एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र। अब इसमें जब ये इस सतोगुण प्रधान रजोगुण प्रधान क्षेत्र में आते हैं, दुर्गा को ये सावित्री रूप बना लेता है और स्वयं ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है, तो इस वेशभूषा में ये दोनों होते हैं, तो इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो रजोगुण युक्त हो जाता है और उसका नाम ये ब्रह्मा रख देते हैं। ये एक एक गुण युक्त कैसे बनाए जाते हैं ये स्थान अब ध्यान से सुनिए। जैसे एक मकान में और तीन कमरे हों, तीन कक्ष रूम हों, उस एक कमरे में तो साधु संत फकीरों के भक्तों के चित्र लगे हों, वहाँ जाते ही आपका स्वभाव एकदम शांत और बहुत ही विकार रहित बन जाता है, बिल्कुल शांत हो जाते हो। और एक कमरे में लगे हैं अश्लील चित्र, अर्धनग्न शरीर, तो उसमें जाते ही आपके अंदर अपने आप उथल पुथल शुरू हो जाएगी, वो गंदी विचार उत्पन्न हो जाएंगे, उसी तरह आपका शरीर स्वभाव बन जाएगा। और तीसरे में लगा रखे हैं इन देशभक्त क्रांतिकारी और सूरवीरों के चित्र, वहां जाते ही आपका शरीर उसी तरह गर्म होने लग जाएगा और उनकी इतिहास याद करके आपके अंदर कुछ समय के लिए तो उसी तरह की भावना बन जाएगी। तो इस काल ने तीन स्थान बना रखे हैं, ऊपर सबसे ऊपर ब्रह्मांड में, वहां कोई नहीं जा सकता इसके हुक्म बिना, दुर्गा भी नहीं जा सकती, जब ये चाहता है तब तो उसको वहां बुला लेता है। अब वहां इसने तीन स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र और एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र। जब ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र में दोनों रहते हैं तो वहां ये स्वयं जैसा आपने ब्रह्मा के चित्र देखा ऐसा रूप बनाता है और दुर्गा को भी सावित्री रूप में रखता है। इन दोनों के योग संयोग से, पति पत्नी व्यवहार से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली उसी स्वभाव का हो जाता है और उसको अचेत कर देते हैं, बेहोश कर देते हैं और अलग से रख लेते हैं और फिर उसको परवरिश करते रहते हैं। जब युवा होता है तब उसको सबको सचेत इकट्ठा करते हैं। और जिसमें ये सतोगुण प्रधान क्षेत्र में होते हैं वहाँ ये विष्णु रूप धारण कर लेता है, दुर्गा को लक्ष्मी रूप धारण कराता है और उसमें इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो उसी सतोगुण से युक्त हो जाता है। और तीसरे स्थान पर ये शिव के रूप में रहता है, जैसे ऐसे ही जटा बड़ाली गले में सांप डाल लिए और दुर्गा को पार्वती रूप बना लेता है। इन दोनों के संयोग से, पति पत्नी व्यवहार से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो तमोगुण युक्त ऑटोमेटिकली हो जाता है, उसमें स्वभाव जन्म से हो जाता है। एक
घर में एक लड़का छोटा सा बालक चोरी कराया करता, चोरी करने लायक गया और नाम भी ले रखा उसने, तो उसकी दादी ने नाम ले रखा, लड़के ने भी नाम ले लिया, लड़के की मां ने ले लिया और उसका पिताजी चोरी कराया करता। तो लड़का नाम भी ले लिया, एक साल हो गया फिर भी वो छोटी मोटी चीज किसी की ठा लिया चुरा लिया, आठ सात दस एक वर्ष का बच्चा हो गया। तो उसकी दादी ने शिकायत करी कि महाराज जी ये चोरी नहीं छोड़ता, जब हम घर घर जाया करते थे सत्संग करने, मैंने उस बच्चे को बुलाया, अ बेटा तू चोरी क्यों करता है, तू भक्त है तेरा नाम खंड हो जाएगा। कहने लगा महाराज जी पता नहीं मेरे ऐसी हुकूक इसी उठे है जानू इस चीज ने ठाकर भाज लियो। मैं बोला बेटा ये त्याग दे बुराई। तो फिर वहां बताया उन्होंने कि इसका पिता चोर है और वो भी चोरी करता है और उस बच्चे का के अंदर वो गुण पिता वाला विद्वान है। अब बाद में तो उसने त्याग दिया, खैर परमात्मा कहते हैं उसमें परिवर्तन आ ही जाता है अच्छे परमात्मा की महिमा सुनने से, बाद में उस बालक ने छोड़ दिया। तो उस पिता के गुण उसमें विद्वान थे वो चोरी वाले। ऐसे ही जिस भी स्वभाव से जैसे ही वहां रहता है काल उसी स्वभाव के बालक उत्पन्न करके रजगुण ब्रह्मा बना देता है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब ये दास ने आपको एक चित्र दिखाया, अब ये श्रीमद देवी भागवत आपके आराम तो समझ में आ जाएगी। अब देखना पुण्यात्माओं, ये इतना प्रयत्न ये दास तो कर रहा है आपको संशय रहित करने के लिए, और जब तक आप संशय रहित नहीं हो गए आप भक्ति नहीं कर सकते। कोई ना कोई काल का दूत आपको ऐसा बिगाड़ देगा, ऐसी गप्पे मारेगा और आपको भक्ति से दूर कर देगा। ये दास चाहता है कि आपको ऐसा मास्टर बना दूं जो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जा खुद, तो भी आपने कहोगे नहीं महाराज जी हमने ज्ञान प्राप्त हो गया, आपने चाहिए तो आ जाओ हमारे साथ, आपने कल्याण कराना तो हमारे साथ आओ, हम आपके ज्ञान से संतुष्ट नहीं हो सकते किसी सूरत में। अब देखो श्रीमद देवी भागवत, अब देखिएगा श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित वही है जो पहले आपको दिखाई। ये बार बार दिखाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये फिल्म बनकर जाएगी, सीडी बन रही है और भक्तों के पास जाएगा। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। तो कोई किसी सीडी को देख पाओगा, कोई किसी को ना देख पाएगा, तो प्रत्येक में प्रमाण हो तो शीघ्र समझ में आएगा। प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। अब इसके तीसरे सकंद में प्रश्न नंबर 113 से श्रीमद देवी भागवत तीसरा सकंद पृष्ठ 113 है। जन्मे जय ने पूछा भगवान आपने अंबा यज्ञ अर्थात परम पवित्र नवरात्र व्रत करके उसके द्वारा देवी की आराधना करने की आज्ञा दी है, अतः वे कौन देवी हैं, कैसे और कब प्रकट हुई, यानी कब उसका जन्म हुआ, उनके पधारने का क्या उद्देश्य है तथा वे किन गुणों से विभूषित है, अंबा यज्ञ किस प्रकार होता है, उसका कैसा स्वरूप है। ब्रह्मन साथ ही विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी कहिए, क्योंकि भूदेव ब्रह्मांड के विषय में जो कुछ कहा गया है वह जैसा जो है वे सभी बातें आप जानते हो। मैंने सुना है ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ये तीन सगुण देवता हैं। अब स्पष्ट कह रहा है ये जन्मजय व्यास जी से पूछ रहा है कि मैंने सुना है ब्रह्मा विष्णु और रुद्र यानी महेश ये सगुण देवता है, यानी रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। आगे देखो, कर्म से सृष्टि पालन और संहार कार्य उत्तर का उत्तरदायित्व इन पर रहता है। परमानंद पाराशर नंदन व्यास जी, अब मैं इनके विषय में विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूं, आप बतलाने की कृपा करें।
व्यास जी कहते, राजन तुम्हारी बुद्धि बड़ी विशाल है। अभी तुमने जो पूछा कि ब्रह्मा आदि की उत्पत्ति कैसे हुई, अब ब्रह्मा आदि माने ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई, सो वह महान कठिन विषय है। इसके इसमें अनेक प्रश्न उठ जाते हैं। यही प्रश्न पूर्व समय में मैंने नारद जी से किया था। मैंने कहा, मुने आप बुद्धिमान हैं और मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि इस विस्तृत ब्रह्मांड के प्रधान कर्ता कौन है। मुनिवर, यह ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हो गया। दिविजवर, साथ ही यह भी बताइए कि यह ब्रह्मांड विनाशशील है अथवा रहने वाला, इसकी रचना करने वाला, इसकी रचना करने वाला 114 पृष्ठ, करने वाला कोई एक है अथवा अनेक है। बहुत से इसके रचयिता हैं। कर्ता के अभाव में कार्य होना असंभव है, यह प्रश्न मेरे मन में उठता रहता है। कुछ लोग भगवान शंकर को परम कल्याण कारक मानकर जगत का रचयिता बतलाते हैं। वे कहते हैं कि देवाधिदेव भगवान शंकर अविनाशी पुरुष हैं, उनका कभी जन्म और मरण नहीं होता, वे आत्मा में रमण करने वाले हैं, वे देवताओं पर भी उनका शासन रहता है। तीनों गुण रहते हुए भी उस उनसे वे निर्लिप्त रहते हैं। वे संसार रूपी सागर के उद्धार करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं, अतः वे सृष्टि सत्य और सहार करके सहार के आदि कारण हैं। दूसरे लोग भगवान विष्णु की प्रशंसा किया करते हैं, वे शक्तिशाली पुरुष अव्यक्त अखिल ऐश्वर्य से संपन्न परब्रह्म परमात्मा है, उनकी कृपा से भक्ति मुक्ति दोनों सुलभ है, वो दो जाती हैं ऐसे ऐसे। दूसरे लोग ब्रह्मा जी को सृष्टि का प्रधान कारण बतलाते हैं। कितने ही आचार्य भवानी यानी दुर्गा को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बतलाते हैं, वे आदि माया महाशक्ति एवं परम पुरुष के साथ रहकर कार्य संपादन करने वाली प्रकृति है। ये ध्यान रखना कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। ये गीता जी में काम आओगा आपका, जब ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति गीता जी में दास दिखाओगा। ब्रह्म के साथ यानी काल के साथ उनका अभेद संबंध है, यानी पति पत्नी रूप में रहते हैं, वो अर्धंगी है इसकी। वे सृष्टि सतिथि और संहार कार्य में संलग्न रहती है, संपूर्ण प्राणियों एवं देवताओं की भी जननी है, उनका कभी जन्म और मरण नहीं होता। वैष्णवी सांभवी ब्राह्मी वासवी वारुणी वाराही नारसिंही एवं अद्भुत महालक्ष्मी उन नामों से विख्यात है। कितने श्रेष्ठ मुनि कहते हैं कि जो निरंजन निराकार निर्लेप निर्गुण अरूप एवं व्यापक ब्रह्म है, उनसे जगत की सृष्टि हुई है। कहीं कहीं वेद और उपनिषद में भी वे ही ब्रह्म तेजों में बतलाए गए हैं। वे प्रधान पुरुष हैं, हजारों मस्तकों हजारों कानों हजारों हाथों मुखों चरणों का संपन्न है, आकाश विष्णु का चरण है, यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है। विद्वान पुरुष शांत निरंजन विराट पुरुष को ही प्रधान बताते हैं। कुछ दूसरे प्राचीन रहस्य के जानकार लोग उन्हें पुरुषोत्तम कहते हैं। आगे देखो, नारद जी कहने लगे, यहाँ देखिए 115 पे, ये आप यहीं पढ़ रहे थे, अब यहाँ नारद जी कहने लगे, व्यास जी प्राचीन समय में, एक समय की बात है, यही संदेह मेरे हृदय में उत्पन्न हो गया था। तब मैंने, यानी नारद जी कह रहे हैं, व्यास जी जो तूने पूछा आपने वही मैं बता रहा हूँ कि मेरे भी ये शंका उत्पन्न हो गई थी, मैंने अपने पिता ब्रह्मा से पूछा था। नारद जी कहते हैं, व्यास जी प्राचीन समय की बात है, उसी यही संदेह मेरे हृदय में भी उत्पन्न हो गया था। तब मैं अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया, उनसे इस विषय में जिस विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो उसी विषय में मैंने पूछा। कहा, पिताजी आप संपूर्ण ब्रह्मांड, यह संपूर्ण ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हुआ। विभो, आपने सम्यक प्रकार से इसकी रचना की है, या तो क्या आपने इसकी रचना की है अथवा विष्णु इसके इस विश्व के रचयिता हैं, या शंकर ने इसकी सृष्टि की है। जगत प्रभो आप विश्व के आत्मा हैं, सच्ची बात बताने की कृपा करें। देखियो, अब नारद जी ने पता है क्या सच्ची बतानिया कोई नहीं,
नारद पिताजी भी गपोड़ पे लगा, तन्यो कहे पिताजी सच्ची बताइए कदे झूठ मिला दे। अब जब तक इंसान के पास पूरा ज्ञान नहीं होगा कहीं ना कहीं तो झूठ मिलानी पड़ेगी उसने, तो इसलिए नारद जी कहें सच्ची बात बताइयो कदे गपोड़ पेल दो। ये देख सच्ची बात बताने की कृपा करें, किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए तथा कौन देवता सबसे बड़ा है। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा इस प्रश्न का मैं क्या उत्तर दूं, यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है, महाभाग तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। फिर भी महामते इस संसार में कोई भी रागी पुरुष ऐसा नहीं है जिससे यह रहस्य विदित हो, जिसे जो त्यागी अहंकार रहित एवं ईर्षा शून्य है वही इसके रहस्य को जान सकता है। फिर भी बताता है ब्रह्मा, क्या बता रहा है, पूर्व काल में जल ही जल था, सर्वत्र जल ही जल था, स्थावर जंगम जितने प्राणी हैं उनमें कोई भी नहीं थे, तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई, उस समय मुझे सूर्य चंद्र वृक्ष तथा पर्वत कोई भी वस्तु कोई भी दिखाई नहीं पड़े। 116 पृष्ठ पे कोई नहीं दिखाई पड़े, मैं कमल की कणिका पर बैठकर विचार करने लगा उस अघात जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया, कौन मेरा रक्षक है तथा इस प्रलय काल में सृष्टि और संहार करने वाला कौन विशिष्ट पुरुष है, कहीं भी स्पष्ट रूप से भूमि भी नहीं दिखाई देती जिस पर यह जल टिका हो, यह कमल कैसे उत्पन्न हो गया। यों विचार करके मैं जल में उतरा, 1000 वर्ष तक पृथ्वी की खोज करता रहा, अन्वेषण करता रहा, इस पर भी मुझे उस जल का कहीं और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो, वह इस काल ने ये और एक खुट्टा ठोक दिया, या इसको कह दिया कि तप करो तप करो। तब मैंने तपस्या आरंभ कर दी, कमल पर बैठकर ही 1000 वर्ष तक मैं तप करता रहा। फिर उसी समय सृष्टि करो ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी, उसे सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया, सोचा कि किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।